नमस्कार मु सुमन आपण मानको स्वागत करुचि ओडिसा रे सप्तम वेतन कमिशन बाबद आउ 20% बकेया अर्थ प्रदान करबा पई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निर्देश नेछंती। मुख्यमंत्री को निर्देश क्रमे आज ए संक्रांत रे सरकारी घोषणानामा प्रकाश पाइछि। एहा द्वारा कर्मचारी माने सप्तम वेतन कमिशन दरमा बाबद संपूर्ण बकेया राशि पाई परिबे। पूर्वरु एही बकेयार 80% प्रदान करा जायछि। एही निष्पत्ति द्वारा राज्य सरकार 4,00,000 कर्मचारी उपकृत हेबे। एथिपाई 2021-22 अतिरिक्त बजेट रे 850 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। कर्मचारी माने एही बकेया अर्थ चलित मार्च मास दरमारे पाई परिबे। राज्य सरकार सप्तम वेतन कमिशन रो सुपारिश को ग्रहण करी एहा को 2016 जनवरी मास थारु लागू करथिले एवं 2017 सेप्टेम्बर मास थारु वर्धित दरमा प्रदान करथिले। कर्मचारी माने सप्तम वेतन कमिशन सुपारिश अनुजाई जनवरी 2016 रु अगस्त 2017 मध्यरे 20 मासर वर्धित बकेया दरमा विभिन्न किस्ती रे देबाकु निष्पत्ति होइतला। एही निष्पत्ति अनुजाई 2017-18 रे 40%, 2019-20 रे 10%, 2021-22 रे 30% बकेया प्रदान करा जायतिला। पेंशन भोगी माने मध्य सेमानक दरमारे शतकड़ा 100% पाई सारिछंती। आउ मोबाइल फोन रे सुभिबनी कोरोना ट्यून महामारी समय रे लोकन को सचेतन करबा पई एही ट्यून सुना जाय। तेबे लोकमानक तरफ रु कह जायतिला जे सेमाने एहा द्वारा असुविधा रे पडुछंती। आजिठारु दुई दुनिया भारत बंद आरंभ होईछि। 12 दफा दाबी जथा दरदाम वृद्धि नियंत्रण करबा एवं अन्यन्य समस्यार समाधान करि केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन गुडीक पक्षरु एही बंद डाकरा दिया जायछि। ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ ଇପିଏଫ୍ ସୁଧହାର ହ୍ରାସ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ରୋକ କରିଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟାୟାର ଜାଳି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ତୋଷାଳୀ ଜାତୀୟ ମେଳା। ଏହି ମେଳାରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 390 ଜଣ ବୁଣାକାର ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।